हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन को। अभी हमने पढ़ा रैशनल एक्सपेक्टेशन को। अडेप्टिव और रैशनल एक्सपेक्टेशन में डिफरेंस आया हुआ है। डिफरेंस के साथ शॉर्ट नोट भी आ सकता है, दोनों में से किसी पे भी। मोस्टली रैशनल पे आया हुआ है एग्ज़ाम में। तो अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस क्या है? इकोनॉमिक थ्योरी है जो क्या कहती है कि जो इंडिविजुअल है वो अपने एक्सपेक्टेशन जो एडजस्ट करता है फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे और जो करेंटली जो इवेंट होते हैं उस पे, ठीक है। पास्ट ही एक्सपीरियंस और पास्ट इवेंट जो भी हुए हैं उनके बेसिस पे वो डिसीजन लेता है। रैशनल में तीन चीज़ें थी जिनके ऊपर वो बेसिस पर डिसीजन लेता है, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जाके ज़रूर देखना। अगर फाइनेंस की बात करें, दिस इफेक्ट कैन कोज पीपल टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो अगर जो ये है अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन, तो यहाँ अगर लोग जो हैं अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जो रीसेंट हिस्टोरिकल डेटा होगा, स्टॉक प्राइस एक्टिविटी जैसे देखेंगे कि पास्ट में कितना था, इन्फ्लेशन रेट कितना था, उसी के अकॉर्डिंग वो प्रेडिक्ट करेंगे कि भाई फ्यूचर में अगर मैं पर्टिकुलर चीज़ में इन्वेस्ट करता हूँ तो इसके चांसेस कितने हैं कि प्राइस राइज होगा या डाउन होगा। अब एग्ज़ाम्पल है, अगर इन्फ्लेशन पिछले 10 सालों में कितने बड़ा है, 2 से 3% की रेंज रही है, तो जो इन्वेस्टर होगा वो यही एक्सपेक्ट करेगा कि यही रेंज रहेगी आगे आने वाले फ्यूचर में भी जब वो कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेगा। अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट इन्वेस्टर विल एडजस्ट देयर एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर बिहेवियर बेस्ड ऑन रीसेंट पास्ट बिहेवियर। ये तो हम पढ़ चुके हैं कि रीसेंट पास्ट बिहेवियर पे ही वो अपना एक्सपेक्टेशन है वो एडजस्ट करता है। इफ़ द मार्केट हैज़ बिन ट्रेंडिंग डाउनवर्ड, पीपल विल लाइकली एक्सपेक्ट इट टू कंटिन्यू टू ट्रेंड दैट वे बिकॉज दैट इट्स हैज़ बीन डूइंग इन द रीसेंट पास्ट। अगर मार्केट डाउन चल रही है, ठीक है, वो लोगों ने देखा कि पास्ट में क्या थी, डाउन थी, तो वो लोग उसी हिसाब से करेंगे कि रीसेंट पास्ट में ऐसा था तो इन फ्यूचर भी ऐसा होएगा। द टेंडेंसी टू थिंक दिस वे कैन बी हार्मफुल एज इट कैन कॉज पीपल टू लॉस साइट ऑफ द लार्जर। लेकिन जो ये टेंडेंसी है ये हार्मफुल भी हो सकती है, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो पास्ट में हुआ है वो ज़रूरी नहीं है कि वही एक्सपेक्टेशन कंटिन्यू हो फ्यूचर में भी। इन रियलिटी मैनी टाइम्स आर मीन रिवर्टिंग, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो लोग सोचते हैं उसका उल्टा हो जाता है। इफ़ पर्सन बिकम टू फोकस ऑन रीसेंट एक्टिविटी दे मे नॉट कैच साइन ऑफ द टर्निंग पॉइंट एंड कैन मिस आउट ऑन अपॉर्चुनिटी। अगर कोई भी पर्सन है वो फोकस कर रहा है सिर्फ रीसेंट एक्टिविटी पे, ठीक है, और वो साइन जो है टर्निंग पॉइंट का वो कैच नहीं कर पाया, तो कई सारी अपॉर्चुनिटी वो मिस कर सकता है। तो ये अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन का छोटा सा टॉपिक था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।